नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज है, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओआरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती है, कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी है। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी जियोग्राफी लिस्टिंग की और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व की प्रमुख जल संधियां। जल संधि क्या होती है पहले आप इसे समझ लो। देखो, जल संधि कब बनती है कि मान लीजिए एक भूमि का टुकड़ा ये है, एक भूमि का टुकड़ा ये है, इधर एक समुद्र है और इधर एक समुद्र है, तो बीच में ये जो जगह है इसी को हम बोलते हैं जल संधि, जो दो सागरों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जल संधि, ध्यान रखना। अब इस तरीके की दुनिया भर में बहुत सारी जल संधियां हैं जिनके बारे में एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है, जल संधि का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि किन किन महासागरों को वो आपस में जोड़ रही है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि दो महासागरों के बीच में होती है, तो इनको जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ से पेपर में आपको अवश्य एक ना एक सवाल जरूर मिलता है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, पहला है मैगलन जल संधि, किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ देती है। किस देश में है साथियों? चिली में है, ध्यान रखना। फिर है मकसार जल संधि, ये जावा सागर और सेलिबी सागर को आपस में जोड़ देती है, लोकेशन है इंडोनेशिया। फिर है सुंडा, ये जोड़ती है जावा सागर और हिंद महासागर को, लोकेशन क्या है? इंडोनेशिया है। फिर है हरमुज जल संधि, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है और लोकेशन है ओमान और ईरान। फिर है ओरंटो जल संधि, ये कहाँ पर है भैया? ये है एड्रियाटिक सागर तथा ओयोनियन सागर को आपस में जोड़ती है, तथा कौन सा देश पड़ेगा? तो इटली और अल्बानिया के बीच में ये आपको मिलेगी। फिर है बाबल मंदिर, कई बार पेपर में आ चुकी है पीसीएस में। लाल सागर तथा अदन की खाड़ी को आपस में जोड़ देती है और देश का नाम है यमन और जिबूती। फिर है कुक जल संधि, कहाँ मिलेगी? दक्षिणी प्रशांत महासागर में मिलेगी। देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। एक्चुअल में न्यूजीलैंड दो हिस्सों में बटा हुआ है, उत्तरी न्यूजीलैंड तथा दक्षिणी न्यूजीलैंड, और इनके बीच में आपको मिलने वाली है ये जल संधि जिसका नाम है कुक जल संधि, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखो, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल कहाँ मिलेगा आपको? हिंद महासागर में मिलेगा। किस देश में मिलेगा? मोजाम्बिक में ही मिलेगा। फिर है नॉर्थ चैनल, कहाँ मिलेगा? आयरिश सागर तथा अटलांटिक महासागर के बीच में, और देश कौन सा है? आयरलैंड और इंग्लैंड। फिर है टॉरस जल संधि, ठीक है, टॉरस जल संधि कहाँ मिलेगी आपको? तो टॉरस जल संधि आपको मिलेगी अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी में, और अगर हम देखें किस देश में है तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखो साथियों, आगे है बास जल संधि, बास जल संधि कहाँ पर मिलेगी आपको? ये तस्मान सागर तथा दक्षिण सागर को आपस में जोड़ती है और देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं बेरिंग जल संधि की, बहुत ही फेमस बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर और चुकची सागर को आपस में जोड़ती है और देश कौन सा है? अलास्का और रूस। फिर है बोनी फैसी, ये कहाँ पर है? ये भूमध्य सागर में है और कॉर्सिया और सार्डिनिया को आपस में जोड़ती है। फिर है बास्पोरस जल संधि, ये कहाँ पर है? काला सागर तथा मरमरा सागर के मध्य में और देश का नाम है साथियों तुर्की। फिर है डार्डेन लेज जल संधि, ये कहाँ पर है? मरमरा सागर तथा एजियन सागर के बीच में है और देश है तुर्की। फिर है यूकाटन जल संधि, ध्यान रखना, मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरेबियन सागर के बीच में है और देश का नाम है मैक्सिको और क्यूबा। आगे बढ़ते हैं, फिर है मैसिना जल संधि, भूमध्य सागर में है साथियों और देश का नाम है यहाँ पर इटली और सिसली। सिसली इटली का ही एक द्वीप है, याद रखिएगा। फिर है डोवर जल संधि, ये कहाँ पर? इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर के बीच में है और देश है इंग्लैंड और फ्रांस। फिर है फ्लोरिडा जल संधि, ये कहाँ पर है? मैक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर में, यूएसए और क्यूबा के बीच में है। फिर है हडसन जल संधि, हडसन की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर में है, देश का नाम है कनाडा।
फिर है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर आपको मिलेगी भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है और देश का नाम है स्पेन और मोरक्को। फिर है तातार जल संधि, तातार जल संधि मिलेगी जापान सागर तथा ओखोत्स्क सागर के बीच में और देश है रूस, ध्यान रखना। फिर है फोवैक्स जल संधि, कहाँ पर मिलेगी, दक्षिणी प्रशांत महासागर में मिलेगी, देश का नाम है न्यूजीलैंड। फिर है सुंगारू जल संधि, कहाँ मिलेगी, जापान सागर तथा प्रशांत महासागर में, देश का नाम है जापान। डेविड जल संधि बेफिन की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है और लोकेशन है ग्रीनलैंड एवं कनाडा। आपको याद रखना है डेविस की संधि किन क्षेत्रों के बीच में है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, किन सागरों को जोड़ती है, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक को। फिर है डेनमार्क उत्तरी अटलांटिक तथा आर्कटिक महासागर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है तथा ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको पढ़ा भी था कि ग्रीनलैंड किस देश के अधीन आता है, देखते हैं कितने लोगों को इसका जवाब पता है। फिर है फार्मोसा, फिर है फार्मोसा, ये है दक्षिणी चीन सागर तथा पूर्वी चीन सागर के बीच में तथा लोकेशन है इसकी साथियों चीन और ताइवान। फिर है मलक्का, अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने का कार्य करती है, लोकेशन है इंडोनेशिया और मलेशिया। फिर है पाक जल संधि, तो पाक खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है और लोकेशन है भारत और श्रीलंका, सबको पता है, सब जानते हैं इसके बारे में। दो और देख लीजिए, जिनमें पहला है सोनी फेसियो जल डमरू, यह है कॉर्सिका तथा सार्डिनिया को जोड़ने का काम करता है, मतलब इनके बीच में है, और दूसरा है लुजन, लुजन भी आपको मिलेगा फिलीपींस में। तो ये हुआ हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात करी साथियों विश्व की प्रमुख जल संधियों की। पीसीएस आर ओ आर ओ बी ओ जैसी परीक्षाओं में यहाँ से एक सवाल आपको जरूर से मिल जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, एग्जाम टाइम तक काफ़ी बार अगर आप इसका रिविजन करेंगे तो आपको ये एग्जाम में हेल्प करेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।